मुख्य मंदिर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कुछ ऊंचाई पर अभी मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर है। इस मंदिर को जनार्दन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां कोई जीवित व्यक्ति खुद ही अपना श्राद्ध कर्म कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिसका श्राद्ध कर्म करने वाला कोई ना हो, वो इस मंदिर में आकर अपने हाथ में तिल रहित दही चतुर्भुज भगवान के दाहिने हाथ में रखे, इससे उसे मोक्ष मिल जाएगा। जीवित श्राद्ध करने का विधान देश के और किसी भी मंदिर में नहीं मिलता है। इस लिहाज से ये देश का सबसे अनोखा मंदिर है। परिसर के बाहर भगवान शिव का मंदिर है, इसे तूतिया मंदिर भी कहा जाता है। इसके बगल में अक्षय वट है। इस पेड़ को अजर अमर माना गया है। ये हमेशा ही हरा भरा रहता है। इस पेड़ की टहनियों पर कपड़े बांधकर लोग अपनी मनोकामना के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अक्षय वट के पीछे रुक्मणी सरोवर है। कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से बांझ स्त्रियों को भी संतान का सुख सहज ही मिल जाता है। माँ मंगला गौरी की 3 बार पूजा का विधान है। सुबह की पूजा सूर्य निकलने से पहले की जाती है, जबकि दोपहर में माँ के शयन से पहले भी पूजा का विधान है। रात को 11 बजे माता के पूजा श्रृंगार का विधान है। श्रृंगार के बाद माता की भव्य आरती होती है। पूजा आरती के बाद मंदिर के पट सुबह तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो ये मंदिर 7 दिन भक्तों से गुलजार रहता है, मगर मंगलवार को यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। मंगलवार का दिन माँ मंगला गौरी का दिन माना जाता है। यहाँ चैत्र और अश्विन माह में पड़ने वाले नवरात्र में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र में इस जगह पर साधना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ मंगला गौरी अपने भक्तों पर हर तरह से कृपा करने वाली हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, उसके जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के कष्ट मिट जाते हैं। माँ मंगला गौरी का ये भव्य मंदिर रेल, सड़क और वायु मार्ग से देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से आने वालों के लिए यह पूर्वी रेलवे का प्रमुख जंक्शन गया है। गया कैंट एरिया में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। यहाँ भूटान, श्रीलंका और कोलकाता से हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से पटना, औरंगाबाद, सिलीगुड़ी और बनारस से गया के लिए बसें आती हैं। स्टेशन से निजी साधन से माँ मंगला गौरी तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। आज तक के मुताबिक पवित्र शक्ति पीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्ति पीठ बताए गए हैं। और आप सभी श्रद्धालु एक बार जरूर आप अपने शहर बिहार के और
गया जिले में जरूर माँ मंगला गौरी का दर्शन करने जरूर आए, क्योंकि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी हमारे शहर गया जिला में है, जो सभी मुरादों एवं इच्छाओं की पूर्ति करती है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज भारतीय संस्कृति समारोह आपके शहर बिहार के उपयुक्त नगर माँ मंगला गौरी धाम टीके कुमार शर्मा विकिपीडिया क्वारा पेनपाल वर्ल्ड मेंबर्स नेहरू युवा केंद्र आस्था क्लब सेक्रेटरी राफिगंज भारत स्काउट एंड गाइड प्रेसिडेंट अवार्डेड https://pubtomil5.com/srxr.tk Kumar Sharma Pub 8 All my dear brother, please like and subscribe my YouTube channel.